दर्शकों, मैं दिव्या खोपड़े और आप देख रहे हैं जेटीवी भारत। आइए रुक करते हैं आज के मुख्य समाचारों की ओर। दरअसल जिले की खेतियों में दिनदहाड़े व्यापारी की किडनैपिंग से हड़कंप मच गया, जिस पर तुरंत संज्ञान लेकर एसपी पुनीत गहलोत द्वारा अलग अलग टीम बनाकर किडनैपरों की गिरफ्तारी के लिए तलाश प्रारंभ की। वहीं टीम द्वारा अलग अलग लोकेशन पर पहुंच 600 किलोमीटर तक आरोपी को तलाश कर झाबुआ पुलिस की मदद से किडनैपरों को पकड़ा। वहीं किडनैप हुए व्यापारी को गुजरात केवड़िया में बांधक बना रखा था, उसे सकुशल परिजनों के सुपुर्द किया। वहीं किडनैपिंग को लेकर एसपी ने बताया, रुपयों के लेन देन पर गुजरात के सैलम्बा के व्यापारियों ने उज्जैन जिले के नागदा के बदमाशों को खेतिया के व्यापारी को किडनैप करने फिरौती दी थी। पुलिस ने आरोपियों से किडनैप में प्रयुक्त अर्टिगा वाहन एवं अवैध हथियार जब्त किए। मेरा नाम मनोज पारक, खेतिया निवासी। कुछ गुंडे आए, मेरे को ये 6-7 लोग आए और इन्होंने मेरे को दुकान से उठा लिया। इन्होंने बिल्कुल स्प्रे मारा मुंह पर और वैसे ही इसको टांगा टोली करके गाड़ी में डाल लिया। मेरे को मैं आवाज़ देते ही रहा, पैर झपटते रहा, पर इन्होंने कुछ सुना नहीं। किराने का व्यवसाय ये यहाँ से लेके गए थे शाहदा प्रकाशा होते हुए डेढ़िया पाड़ा और वहाँ से केवड़िया सरदार वल्लभ भाई पटेल के स्थान पे। वहाँ बंधक बना के कॉटेज में रखा गया था, मारपीट भी की मेरे साथ। मेरे को ये बोलते थे कि इन्होंने 2 दिन पहले भी आके धमकाया था कि आप पैसे दो, आपके बच्चे की शादी है, पैसे दो या फिर आप जमीन आपके हमारे नाम पे करके दो। तो मैंने ना बोल दिया, मेरे पास कुछ नहीं है। इन लोगों को नहीं जानता हूँ साहब। हाँ, ये जो मुख्य आरोपी है वो आरोपी है सैलम्बा का मनु पवार, देवेंद्र पवार और सचिन पवार और शंकु और मनोहर धर्मानी सोनगढ़ वाला, साहिल शहादा वाला, फयाज शहादा वाला, रोहन, ये सभी आरोपी और भी आरोपी है एक दो, जिनको नाम मेरे को याद नहीं है अभी। और बता, मेरा कोई व्यापारी लेन देन नहीं है, सारा व्यापार क्लियर किया हुआ है। मैं तो 30 साल से व्यापार कर रहा हूँ साहब, इससे नहीं, इनके साथ नहीं। मैं व्यापार दुकान पे मेरे पिताजी के साथ ही करता था, अब मेरे पिताजी नहीं है तो मैं व्यापार करता हूँ जी। नहीं, इनसे 5 मसाला वगैरह लेता था, इनका पैसा पूरा क्लियर कहा हुआ, अकाउंट क्लियर है। इनसे संबंध तो पुराने से, 20 साल पहले से संबंध थे इनसे। नहीं, कुछ भी बकाया नहीं है इन लोगों का जी, पूरा भुगतान किया हुआ बैंक से द्वारा किया हुआ जी साहब, प्रमाण पत्र पूरे है साहब। ये कल दिनांक 16 जून को खेतिया से मनोज पारेख नामक एक व्यापारी को दोपहर के समय उनकी दुकान से 6 से 7 लोग एक वाहन में आए थे और मारपीट कर उन्हें बंधक बनाकर अपनी गाड़ी में बैठा कर ले गए थे। उक्त घटना का उसी दुकान का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया था, जिससे पूरे क्षेत्र में सनसनी फैली थी। पुलिस को ये जानकारी मिलते ही सर्वप्रथम 365 आईपीसी किडनैपिंग का बड़वानी पुलिस ने केस रजिस्टर किया था और इसके बाद बड़वानी पुलिस ने, चूंकि अपहरण का मामला था और दोपहर के समय एक व्यापारी को अज्ञात बदमाश लेकर गए थे, तो इसको पूर्ण गंभीरता से लेते हुए एडिशनल एसपी प्रजापति के जी के मार्गदर्शन में हमने कुल 60 लोगों की डेडिकेटेड अलग अलग 6 टीम बनाई थी और सभी टीम्स ने लगातार अलग अलग पहलुओं पर काम किया, जिसमें हमने करीब 500 से ज़्यादा सीसीटीवी फुटेज खंगाले। इसके साथ ही जो अज्ञात वाहन दिख रहा था उसके बारे में जानकारी एकत्रित की, जो वारदात हुई थी अपहरण की और जो सीसीटीवी में कैद हुई थी उसमें जो संदिग्ध नज़र आ रहे थे उनके आइडेंटिफिकेशन पर हमने लगातार काम किया। इसी के साथ साइबर की जो टीम थी वो लगातार एक्टिव जो फील्ड में टीम्स हैं उनकी मदद कर रही थी।
इस प्रकार से बड़वानी पुलिस ने कुल 60 पुलिस कर्मियों की टीम गठित करके लगातार 14 घंटे में करीब 500 से ज़्यादा फुटेज खंगालते हुए, जो हमारी अपराधियों को पकड़ने वाली टीम थी उसने करीब 650 किलोमीटर अपराधियों का पीछा करते हुए फाइनली सभी किडनैपर्स को गिरफ्तार किया है और उनसे प्रारंभिक पूछताछ के आधार पर गुजरात में केवड़िया से जो अपराध व्यापारी था उनको भी सकुशल दस्तियाब किया गया है। इस 14 घंटे चले ऑपरेशन में बड़वानी पुलिस ने न सिर्फ दो राज्यों की पुलिस से लगातार समन्वय बनाए रखा, जिसमें गुजरात पुलिस ने भी समन्वय किया से भी समन्वय स्थापित किया, महाराष्ट्र पुलिस से भी समन्वय स्थापित किया, और इसके साथ ही जब देर रात्रि में हमें एक इम्पॉर्टेंट लिंक मिली थी कि किडनैपर्स जो हैं वो केवड़िया में अपराध व्यापारी को बंद करने के बाद वापस जहाँ से वो बिलोंग करते थे उज्जैन के नागदा जिले में वहाँ अपने घर की ओर लौट रहे हैं, तो इस पर झाबुआ पुलिस से हमने सहयोग चाहा, जिस पर झाबुआ पुलिस अधीक्षक श्री अगम जैन सर के द्वारा